सिजेरियन डिलीवरी के कई सालों बाद, करीब 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद टांकों में दर्द होना, इचिंग होना, उसमें सुई जैसा चुभना या हल्का हल्का सा दुखन महसूस होना, ये क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हैं और किस किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए होता क्या है, सिजेरियन डिलीवरी में जिस वक्त कट लगता है उससे हमारी काफ़ी नसें कट जाती हैं और जहाँ से हमारी नस कटती हैं उसके आसपास के एरिया में काफ़ी टाइम तक नमनस रहती है, यानी कि वहाँ पे सुन्नपन रहता है। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, यानी कि डिलीवरी को जितना ज़्यादा टाइम हमारा होता जाता है, जो नर्व्स हमारी कट गई थी वो धीरे धीरे से रिजनरेट होना शुरू हो जाती है, नए तरीके से बनना शुरू हो जाती हैं, जो वहाँ पे हमारे टिश्यूज होते हैं, नए टिश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये डेवलप होते हैं, हमारी नसें डेवलप होती हैं, वैसे वैसे वहाँ पे हमें दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सुन्नपन की वजह से ना तो हमें वहाँ कोई दर्द महसूस होता है और ना ही हमें किसी तरह कोई इचिंग या चुभन महसूस होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी बॉडी हील करती है, हमारी बॉडी धीरे धीरे ठीक होती है, नस अपनी जगह पे आके सही तरीके से जुड़ना स्टार्ट होती है, डेवलप होना स्टार्ट होती है, ये दर्द हम थोड़ा थोड़ा फील करने लगते हैं। तो सबसे पहला कारण इसका हो सकता है कि हमारी नसें वहाँ की डेवलप हो रही हो, जो हमारा वहाँ का नमनेस था, सुन्नपन था, वो धीरे धीरे कम हो रहा हो, इसकी वजह से कई बार आप इस तरीके के दुखन या दर्द महसूस करते हैं। अब इसमें कुछ लोगों को डाउट रहता है कि क्या इतने टाइम के बाद हमारे टाके अंदर से खुल सकते हैं या टूट सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सारी दिक्कतें आपको सालों के बाद तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं होंगी, कई 2-3-4 साल के बाद तो हमारे जो टाके हैं वो पूरी तरीके से हील हो जाते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो जो एक्चुअली ये दर्द होता है ये टाँकों में नहीं होता है, वहाँ के जो आसपास की नसें कट जाती हैं उनके रिजनरेट होने की वजह से हम इस तरह के दर्द या जो चुभन है वो हम महसूस करते हैं। ये हो गया इसका सबसे पहला और बेसिक कारण। दूसरा इसका कारण हो सकता है आपका गैस और कॉन्स्टिपेटेड होना। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम रहती है, आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, आपका पेट क्लियर नहीं होता है, आपका डाइजेशन सही से नहीं होता है, तो ये दर्द हमें कई बार गैस की वजह से भी होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, हमारे अंदर टांके लगे हुए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी दर्द हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। अब बहुत ही सीधा सा लॉजिक है कि आपकी बॉडी में जहाँ पे कभी भी कोई भी ऑपरेशन हुआ है या स्टिचेस लगे हैं, तो वहाँ पे आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि हमें कुछ जो है डिस्कम्फर्ट हो रहा है या वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो जब भी आपको इस तरह के दर्द होते हैं, गैस से रिलेटेड हो, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड हो, या और भी कोई पेट की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो, तो हम लोग उसको अपने सिजेरियन डिलीवरी के साथ में या अपने टाँकों से जोड़ के देखते हैं, और जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारे टाँकों में दुखन हो रही है। बट एक्चुअली हमारे टाँकों में दुखन नहीं होती है, ये गैस और कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने पेट को ठीक रखिए, अपनी गट हेल्थ को ठीक रखिए। अगर आपको गैस की या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसका इलाज कीजिए। अगर वो इलाज आपका ठीक हो जाता है, उसके बाद भी अगर आपके टाँकों में बहुत सीवियर दर्द है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, अकड़न है, तो एक बार आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तीसरा कारण इसका हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करना। अगर आप अचानक से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसकी इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा रखते हैं, तब भी आपके पेट में आपको दर्द महसूस हो सकता है। और पेट में ही नहीं, बल्कि ये दर्द तो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में महसूस हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो ये दर्द आपके पैरों में आपको महसूस होगा। स्टार्टिंग में अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो ये दर्द आपके हाथों में आपको महसूस होगा। इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा आप अपने टमी की एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये दर्द आपके पेट में आपको महसूस ज़रूर होगा, चाहे आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ हो या ना भी हुआ हो। तो कई बार बहुत इंटेंस वर्कआउट की वजह से भी ये दर्द आप महसूस करेंगे। अगर ये दर्द आपको 2-4 दिन या मैक्सिमम 1 वीक तक रहता है और उसके बाद में ठीक हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। अगर ये दर्द इसके बाद भी बना रहता है और लगातार बढ़ता रहता है, बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी देता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अब अगर आप इस तरीके के आफ्टर वर्कआउट पेन से बचना चाहते हैं तो आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग कीजिए, लो इंटेंसिटी के साथ में स्टार्ट कीजिए। अचानक से बहुत हाई इंटेंस वर्कआउट आप मत कीजिए। धीरे धीरे अगर आप अपने वर्कआउट्स को बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी। फोर्थ आपके टाँकों में दुखन का कारण हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना। कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे आपके स्टिचेस आए हुए हैं, अगर आप वहाँ पे कोई बहुत ही टाइट कपड़ा पहनते हैं या टाइट से उस जगह को बांधते हैं, उसकी वजह से भी आपके स्टिचेस में आपको दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, जैसे ही आप कपड़े चेंज करेंगे या जो आपने टाइट से बांधा हुआ है उसको आप लूज करेंगे, 6 मिनटों में वो दर्द आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा।
अगर बहुत दिक्कत है तो हो सकता है एक दिन दो दिन आप ये दर्द महसूस करें, लेकिन उसके बाद वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके टाको में इन्फेक्शन हो गया है या दर्द हो रहा है तो अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर आपका सिजरियन डिलीवरी हुआ है, आपके स्टिचेस आए हुए हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत माइनर सा दर्द होना, चुभन होना, ये बिल्कुल लाजमी है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ हल्की हल्की एक्सरसाइजेस कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे वीमेन के साथ में होती है और वो समझ नहीं पाते कि ये दर्द उनको क्यों हो रहा है। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।